मैम एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है या कंसेप्शन है जो भी है आ, क्या मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है मास्टरबेशन uh, से अगर आप बहुत अर्ली मास्टरबेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है एट अ वेरी अर्ली एज यू जस्ट स्टार्टिंग टीन और वो सब स्टेज पे ओके okay. ये एक मॉरेटी का सवाल हो सकता है लेकिन उससे हटके मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे बच्चे करने के दो थॉट होते हैं एक स्कूल ऑफ थाट्स हैं एक पहले ये होता था कि जब आप साठ साल के होंगे तो आपका बच्चा किस एज का होगा जा और दूसरा जो आजकल देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा एज हो जाती है करीब चालीस चालीस साल के लोग हैं मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनके जिन्होंने अभी शादी नहीं किया जाए तो हर हर किसी का अपना अपनी पसंद है और अपनी चॉइस है लेकिन फिर भी शादी करने की एक आइडियल एज क्या होनी चाहिए कुछ अगर कोई जानना चाहे तो आप क्या कहेंगी जब सो so, मैं क्या सजेस्ट करती हूँ देखो दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस है ना जिसको जब शादी करनी है मेरे पास ही मेरे हॉस्पिटल्स में इतने लोग हैं जो अनमैरिड हैं और वो कहते हैं हमें शादी नहीं करनी है सो इवन गर्ल्स बॉयज सब हैं सो so, मैं अपनी जितनी भी लड़कियाँ ना उनको सजेस्ट करती हूँ भाई अगर अभी शादी नहीं करनी है ना एग फ्रीजिंग करा लो बॉयज़ को बोल रहे हैं स्पर्म फ्रीजिंग करा लो देखो आप अपनी एज नहीं रोक सकते हो विथ एज एग काउंट डेफिनेटली कम होने लगता है और मैन को लगता है भाई साठ साल में भी हम जवान हैं स्पर्म तो आ ही जाएगा ऐसा होता नहीं है क्वालिटी तो ख़राब हो रही है ना स्पर्म की सो so, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जल्दी से अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व तो करा लो फिर शादी ना ना करना देखो इट्स अ पर्सनल चॉइस उसमें आई कॉन्ट कमेंट बट एग फ्रीजिंग इज अ ब्लेसिंग मेरे पास बहुत कपल्स आते हैं जिनको शादी लेट करनी है जिन्होंने शादी कर भी ली है और प्रोफेशनली एंगेज हैं कि भाई आप एग फ्रीजिंग कर लो जब बेबी करना होगा एल कम बैक कैंसर पेशेंट्स आते हैं एग फ्रीजिंग कराने के लिए सो दिस स्पर्म फ्रीजिंग कराने थोड़े कम लोग आते हैं सिर्फ कैंसर वाले आते हैं बट इट्स एन अवेयरनेस कि भाई अगर आप 40 इयर्स के हो गए हो आपको शादी नहीं करनी है तो स्पर्म फ्रीज करा लो अपना कभी ना कभी शायद आगे चल के कोई मिल जाए जिससे आप कंपेटेबल हो जाओ तो एटलीस्ट least... और इसमें कितना खर्चा आता होगा चाहे देखो एग एक फ्रीजिंग एक्सपेंसिव एग फ्रीजिंग में लगभग लगभग डेढ़ लाख का खर्चा आता है क्योंकि उसमें भी तो फिर इंजेक्शन लगते हैं दस दिन के फॉलिकल्स बनते हैं हम एग्स निकालते हैं स्पर्म फ्रीजिंग तो बहुत सस्ता है पाँच हजार रुपये में हो जाता है और ये कभी भी <laughs> यूज कर सकते हैं फिर इनको कभी भी यूज कर सकते हैं साल, yeah. साल साल और क्या तक वी कैन डू फ्रीजिंग फ्रीजिंग एवरी ईयर रिन्यू फ्रीजिंग मतलब पेमेंट करना होता है ना हम भी कब तक फ्री रखेंगे अच्छा <laughs> तो हर, <laughs> <laughs> हर साल उसको फ्रिज में रखने के लिए उसके पैसे देने पड़ते हैं ठीक है so cryo -preservation. Cryo -preservation. मैं आखिरी सवाल पूछ रही हूँ उसके बाद हमारे पास ऑडियंस के भी कुछ सवाल आए थे तो मैं वो पूछूंगी आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे कपल्स जो आई कराना चाह रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं किसी डॉक्टर को या क्लिनिक को किन बातों का ख्याल वो रखें और उसको ध्यान में रख के ही वो क्लिनिक या डॉक्टर सेलेक्ट करें सबसे पहले डॉक्टर गौरी के पास आए <laughs> <laughs> और जो नहीं आ सकते वो आई I मीन mean, आ सकते हैं अब तो आई हैव सो मेनी है वट वट एवर सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब आई मीन बहुत सारे हैं बट वही हो जाता है ना कि पेशेंट को भी कैसे पता चलेगा कि ये क्लिनिक अच्छा है रिजल्ट्स अच्छे हैं आजकल इतने एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं कि हमारी लैब अच्छी है हम रिज़ल्ट दे रहे हैं सो so, वही होता है वर्ड ऑफ माउथ से आप जाओ किसी का हो गया है तो वो सुन के जाओ बट इंपॉर्टेंट ये है ना कि जब भी जाओ डॉक्टर को ये बोलो भाई मुझे आप सब कुछ क्लैरिटी में दिखाओ मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा हर, हर चीज़ क्लैरिटी में दिखाती हूँ मेरा पेशेंट आता है सारी रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं फिर जो भी अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना मैं पेशेंट के हस्बैंड को भी अंदर बुलाती हूँ कि भाई देखो ये फॉलिकल्स बन रहे हैं जिस दिन मैं एग निकालूंगी आप ये मत बोलना कि भाई दो ये दो एक्स क्यों निकले और या पंद्रह एक्स क्यों निकल गए सो so, आपको ना एक हर स्टेप पर अगर क्लैरिटी रखोगे ना तो अगर पेशेंट नेगेटिव भी हो जाता है ना तो पेशेंट को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है जो उसके अंदर बेबीज बने हैं हम उनके फोटोग्राफ्स देते हैं उनको सब समझाते हैं आपका एम्ब्रियो की ग्रेडिंग क्या है एंड उनको वो नंबर भी देते हैं जिसमें हम फ्रीज़ करते हैं ताकि हम उनको दिखाएं कि हम आपका ये बेबी ट्रांसफर कर रहे हैं सो ट्रांसपेरेंसी एट एवरी स्टेप पेशेंट शुड टेक फ्रॉम द हॉस्पिटल